ये बताया जाता है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर एक अधिवेशन हुआ जिसमें सनातन धर्म के शंकराचार्य ने सभी धरती के सभी महानुभावों को बुलाया। सभा में बैठे एक अज्ञानी ने हाथ उठाई, कहा कि मैं भी कुछ इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। महाराज के सहयोगी ने कहा, महाराज सोच समझ के समय दीजिएगा क्योंकि आपने बड़े विद्वानों को बुला रखा है। बीच से खड़े हुए आदमी ने कहा कि महाराज मुझे पता है यहाँ विद्वानों की सभा है और आज कुछ विद्वानों से मुझे प्रश्न करने हैं। अगर आज मेरे प्रश्नों का कहीं उत्तर ना मिला तो मैं पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लूं, मुझे उत्तर नहीं मिलेगा। तो दादा ने सवाल भी खुद के और जवाब भी खुद दिया। रागनी किस तरह से संजोई सवाल और जवाब की, भाई जयवीर ठाकुर सिकंदराबाद से इस रागनी में सवाल करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कभी महोदय की रचना के माध्यम से कि जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई जयवीर ठाकुर। कोई गावनिया ही गाते भाई गुरु जी ऐसा गुरु बता दे बात करूंगा और आगे शिव शंकर का गुरु बता दे बात करूंगा और आगे भाई अष्टभुजी किसकी पुत्री जने करी सहजा चोरा के उस साधु का नाम बता जने करी सवारी मोरा की उस साधु का नाम बता जने करी सवारी गुरु मेरे मन का भरा में मिटा दे कोई कावड़िया ही गाते अरे गुरु जी ऐसा प्यार सिखाते कोई अरे कावड़िया ही गाते। बह माता की मात बता दे सास बता दे गौरा की, बह माता जिसने हमारा निर्माण करा उसका निर्माण किसने करा उसकी माँ कौन। सजनों कवि ने अपनी कली के माध्यम से सब बातों के सवालों के जवाब लिखे हैं। क्या लिखा क्या बताया अनसुईया सास गोरा की शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात करूं मैं गोरा की शिव शंकर का गुरु अंगीरा बात करूं मैं गोरा की अरे
अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, जनक करी सहायता छोरा के, अरे बालक ना थे ऐसे साधु, जनक करी सवारी मोरा की, अरे बालक ना थे ऐसे साधु, जनक सवारी मोरा की, हो ज्ञान बिन भरम आदरणीय महेंद्र जी, आपने पहले भी उस भजन पर 200 रुपए दिए, आप फिर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सजनों, सुनने वाली बात अगली कली में कौन से प्रश्न करे, किस किस बात के बारे में, जो पहली कली बताई उसमें कुछ लोगों ने तर्क करा, लेकिन कवि महोदय ने एक एक बात को, सजनों कवि ने पूरी समझदारी से और पूरी बात का मंथन मनन करके अपनी कलम को चलाया है, उसने उस बात का भी जवाब दिया। किसी ने न्यू पूछा कि अनसुईया सास गोरा की कैसे बनी, क्यों उसको आप उसकी उपमा देते हो। सजनों बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और निवस्त्र नगन होकर के भिक्षा मांगने की बात रखते हैं। माता अनसुईया उनको भी वचनबद्ध कर लेती है, उनको भी वचनबद्ध कर लेती है, छोटे बच्चे बना करके उन्हें अपना दूध पिलाती है। तो न्यू बताते हैं कि शिव शंकर की धर्म की माँ अनसुईया बन जाती है, इसलिए गौरा की सास की उपमा सती अनसुईया को दी। आइए अगली कली के माध्यम से कौन से सवाल क्या बताया। पैदा हो क्या वह माता ने नहीं गड़ा, बिना पिता के पैदा हो क्या वह माता ने नहीं गड़ा, अरे लेते जन्म करी लड़ाई ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा, कौन सी सेना हरा दई जन देव लोक में जिक्र छिड़ा, कौन सी सेना हरा दई जो देव लोक में जिक्र छिड़ा, हाय गुरु अंबर में पहाड़ रचा रे कोई, अरे कावड़िया ही का दे, हाय गुरु जी ऐसा जाने का दे, कोई कावड़िया ही का दे। दूसरी कली के माध्यम से उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा, बिना पिता के पैदा हो गया वह माता ने नहीं गड़ा। सजनों ये सवाल करे, इस सवाल का जवाब देते हुए कवि महोदय ने क्या लिखा, क्या बताया। हाँ? उस लड़के का नाम गणेश, उस लड़के का नाम गणेश, जो ना माता के पेट पड़ा बिना पिता के पैदा हो गया वह माता ने नहीं गड़ा, बिना पिता के पैदा हो गया वह माता ने नहीं गड़ा।
ना कोई हुआ खड़ा। शिव की सेना हरा दई फिर देवलोक में जिक्र छिड़ा। अरे शिव की सेना हरा दई फिर देवलोक में जिक्र छिड़ा। हे सूरत में सब ब्रह्मांड दिखाया मन पर भोले सभा। सभी सवालों के जवाब देते हुए कवि ने बताया, ये बाप के ब्याह में भीष्म बिचोला, ये बाप के ब्याह में भीष्म बिचोला, जो देवलोक से चले आया कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मरे आया। अरे कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मरे आया। ये अनधन के भंडार भरे, अरे अनधन के भंडार भरे, पर झिका नहीं भूखा ठाया, पर ले जितनी बारिश होगी पर पीवन ने ना चले पाया। पर ले जितनी बारिश होगी पर पीवन ने ना चले पाया। हो गुरु छे चारे का ज्ञान बताया मने, अरे खोले सभा बोले सभा लड़की का चोला पाया, हुई जवान बड़ी जरूरत, पति मोहत न प्यार कराया, हुई जवान बड़ी जरूरत, होते न प्यार अरे उस लड़की का नाम बता जने, एक पल में पुत्र
उतर जाया पति की सेवा करने लागरी पुत्र का सर तरे वाया पति की सेवा करने लागरी पुत्र का सर तरे वाया हाय गुरु लक्ष्मी चंद ने समझा दे कोई बाबड़िया हमारी इस दुनिया में जो घटना घटित हुई उन्हीं पे कवि महोदय ने अपनी कलम को चलाया है, उस इतिहास को इस रागनी के माध्यम से पिरोया है। सजनों, इस कली के माध्यम से सवाल करे गए कि अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए लड़की का चोला पाया। सजनों, अरे एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, लड़की का चोला पाया, मंदोदरी रूप में जन्म लिया, बस होते रावण पर माया, मंदोदरी रूप में जन्म लिया, बस वो मेरा रावण मते हो गया। जबर ने ठाई रत हड़े लगाई, एक पल में पुत्र जाया, रण क्षेत्र में नाटी थी कटा, शीश पुत्र का कटवाया, रण क्षेत्र में नाटी थी कटा, शीश पुत्र का कटवाया। हाय गुरु जग दीसे न खोले बताया मने, अरे खोले बहुत बहुत धन्यवाद।